नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका SSS में। दिनेश जी तैयार हैं ओपनिंग करने के लिए आज के मैच में, और नए बैट से वो तैयार हैं। चंदन जी बॉल लेकर के तैयार हैं, राउंड द विकेट उनकी ये गेंद, वाइड गेंद, पहली गेंद। आप देख सकते हैं दोस्तों थोड़ा सा पिच के ऊपर ओस ज्यादा है, कल बारिश भी हुई थी, और फिलहाल यहाँ चंदन जी तैयार है राउंड द विकेट उनकी ये गेंद दिनेश जी को, और दिनेश जी को छोटी गेंद मिली है जिसका पूरा फायदा उठाया है। पावर प्ले का टाइम, कोई फील्डर पीछे मौजूद नहीं, 4 रन। तो यहाँ पर पहला चौका आता हुआ, तो दोस्तों अगली गेंद लेकर के तैयार यहाँ पर चंदन जी, आग बबूला होकर के राउंड द विकेट, स्लोर बॉलर से पहुंचा दिया है पाकिस्तान के कराची तक, बहुत ही बेहतरीन छक्का। तो इस बैट से जो कि नया बैट है, पहला 6 लग चुका है, आइए देखते हैं इस बैट में कहां टच हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर जगह पर बैट के टच हुआ और 6 रन। यहां पर विशालकाय बल्लेबाज ने एक विशालकाय छक्का मारा, और चंदन जी अगली गेंद लेकर के तैयार कुछ ना कुछ मंत्र ना करते हुए, क्योंकि पिछली गेंद पे 6 पड़ा था। फिलहाल उनकी गेंद और यहां पर मिस किया है, लेकिन 1 रन आसानी से पूरे करेंगे। तो अब स्ट्राइक पर आएंगे टीम के कप्तान मुरारी झा। जी हां, बिहार से आते हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी, और देखते हैं किस तरीके की ये बल्लेबाजी करते हैं। उन्हें गेंदबाजी कर रहे हैं चंदन, और फिलहाल अगली गेंद राउंड द विकेट, और यहां पर पैरों पर लगी है गेंद। तो दोस्तों फिलहाल दिनेश जी जो है वो ग्रिप चेंज करते हुए बैट का, थोड़ी सी समस्या उन्हें, तो अभी फिलहाल नई ग्रिप दूसरी लगाई जाएगी इस नए बैट के ऊपर। आप देख सकते हैं इस बैट पे वो निशान है जो अभी थोड़ी देर पहले 6 लगा था, और ये हमारे स्कोरर यहाँ पर मौजूद प्रिंस जी स्कोरिंग करते हुए। प्रिंस जी कितना स्कोर हुआ है? 8 रन, 8 पर 0, 1 ओवर समाप्त। तो 1 ओवर के बाद 8 रन बने हैं टीम के।